नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है क्रिकेट केसरी में। मैं हूं अभिनव। आज से भारत इंग्लैंड के बीच T20 सीरीज का पहला मुकाबला शुरू होने जा रहा है। आज का यह मैच साउथहैम्पटन में खेला जाएगा। टीम में रोहित शर्मा की वापसी हो चुकी है और उम्मीद है कि टीम टेस्ट गवाने के बाद T20 में वापसी करेगी, क्योंकि टेस्ट हारने का एक कारण यह भी बताया जा रहा था कि टीम की कमान संभालने वाले बुमराह एक अनुभवहीन कप्तान थे, पर अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वैसे टीम की बात करें तो पहले T20 में इंग्लैंड के खेमे में T20 के स्पेशलिस्ट खिलाड़ी हैं। वहीं भारतीय टीम में कुछ ही खिलाड़ी ऐसे हैं जो अनुभव से भरपूर हैं, जैसे रोहित शर्मा, दिनेश कार्तिक, भुवनेश्वर कुमार और हार्दिक पांड्या। वहीं इंग्लैंड की तरफ से कप्तान खुद जॉस बटलर, जेसन रॉय, डेविड मलान, लिविंगस्टोन, मोइन अली, सैम करन जैसे अनुभवी खिलाड़ी होंगे। तो खिलाड़ियों के हिसाब से तो इंग्लैंड भारत पर भारी पड़ सकती है, पर इतिहास के पन्ने को पलटे तो गवाही यह मिलती है कि भारत का पलड़ा हमेशा से इंग्लैंड पर भारी रहा है। भारत और इंग्लैंड के बीच अब तक कुल 19 मुकाबले खेले गए हैं, पर उनमें से भारत के खेमे में 10 जीत और 9 हार आई। पिछले साल जब दोनों देश के बीच T20 सीरीज खेले गए थे तब भारत ने 3-2 से सीरीज अपने नाम कर ली थी। वहीं प्लेयर टू प्लेयर की बात करें तो भारत के खिलाफ इंग्लैंड के छोटे प्रारूप के नए कप्तान जॉस बटलर सबसे ज्यादा 373 रन बनाए हैं और भारत की तरफ से विराट कोहली सबसे ज्यादा 577 रन बनाए हैं। पर अभी की स्थिति को देखा जाए तो विराट बिल्कुल भी फॉर्म में नहीं है, वहीं बटलर हिटलर वाले फॉर्म में। वहीं एक मैच में किसी खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं तो उसमें भी बटलर ही आगे हैं। उनका भारत के खिलाफ एक पारी में 83 रन इंग्लैंड की तरफ से सबसे ज्यादा है, लेकिन भारत की तरफ से केएल राहुल के 101 रन हाईएस्ट है, पर वो टीम में है नहीं। तो भारत का रिकॉर्ड इंग्लैंड के खिलाफ बेहतर तो है, पर वर्तमान में इंग्लैंड का पलड़ा ज्यादा भारी है। तो क्रिकेट की ऐसी ही और भी अपडेट को जानने के लिए देखते रहिए क्रिकेट केसरी।